बिहार कैमोर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। रेलवे परीक्षार्थियों के बिहार बंद का कैमोर में राजद ने किया समर्थन। भभुआ एकता चौक को घंटों किया जाम। कैमोर रेलवे और एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद बिहार में छात्रों के उग्र प्रदर्शन जारी है। आज बिहार बंद को लेकर बिहार के कई जिलों में छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन आगजनी किया गया। उसी कड़ी में आज भभुआ एकता चौक पर छात्रों के समर्थन में राजद और भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन, सड़क जाम और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भभुआ थाने में गिरफ्तारी दिया। तो वही NH2 पर भी राजद कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क को जाम कर जमकर बिहार और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी किया। जबकि रेलवे ने अपनी गलती को सुधार कर 3 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट देने के साथ ही रेलवे ग्रुप डी में सिंगल परीक्षा का ऐलान किया है। उसके बाद भी छात्रों के प्रदर्शन जारी है। छात्रों के आंदोलन में अब राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक दलों का कहना है कि छात्रों पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसे सरकार वापस ले और छात्रों पर बेवजह कार्रवाई करना बंद करे। वहीं भभुआ के राजद विधायक भरत बिंद ने बताया कि रेलवे छात्रों पर सरकार कार्रवाई करना बंद करे, प्राथमिकी वापस ले, छात्रों की मांग पूरी करे। देखिए ये जो छात्र नौजवानों के जो मांग है वो जायज मांग है। एक कैंडिडेट एक रिजल्ट के सिद्धांत पर होना चाहिए। रेलवे तो मांग छात्रों का मांग पूरा करने के तैयार है। नहीं नहीं अभी ऐसे कैसे जानेगा कोई, जब तक कोई आएगा नहीं तब तक हम लोग कैसे जान पाएंगे इसके। ये तो पेपर का बात है, पेपर की बात तो सही भी होती है गलत भी होती है। पेपर वाले लोग जैसे मीडिया समझते हैं वैसे निकालते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो 25 तारीख को हुआ सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई थी, ना तो आँख से देख रही थी ना कान से सुन रही थी। उसको देखना चाहिए कि बच्चों की क्या पीड़ा है। जाके एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं कल के भविष्य हैं, आज के बच्चे हैं, तो नौकरी की जहाँ तक बात आती है सारा बेरोजगार लोग हैं। और उस स्थिति में जब हम परीक्षा दे रहे हैं तो फिर एक कैंडिडेट और एक रिजल्ट सिद्धांत होना चाहिए। और दूसरी बात कि जितने भी छात्रों पर केस किया गया है, जो मुकदमा झूठा किया गया है, उसको सरकार वापस। छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कहीं आगजनी कर दे रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, तो उसके लिए उन छात्रों के लिए क्या संदेश नहीं रहे? देखे हम तो छात्रों से यही कहते हैं कि छात्र जो है उग्र मत होइए, अपना शांतिपूर्ण ढंग से मांग करिए। सरकार सुनती नहीं है तो निरंतर हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जो संविधान के तहत हमको प्रदत्त अधिकार मिला है उस अधिकार के तहत हम मांग करेंगे। काम नहीं करना, मांग पूरा होना।